चलो गिव द हेडिंग गाइस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक व्हिच इज नोन एज शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग राइट। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पहला बात हमेशा ध्यान रखोगे इस चैप्टर का मूल मंत्र। चला लो अगर गर्म लग रहा है। इस चैप्टर का मूल मंत्र क्या है बेटा, जिंदगी में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इररिलेवेंट रहता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या बोला मैंने, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो ठीक है बेटा, तो एक चीज समझो मेरा बात। जैसे मान लो मेरे को 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, कितना बच्चों को, मेरे को रेंट 6000 देना है अगर 10 बच्चों के लिए, तो 15 बच्चों को भी रेंट अगर मैं पढ़ाऊंगा तो भी रेंट उतने देना पड़ेगा मेरे को, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा इरेलेवेंट रहता है, क्या रहता है। लेकिन अब तुम समझो अगर इस 15 बच्चा एक्स्ट्रा 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे उनके पीछे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं हमेशा चेक करूंगा कि जो मेरा एक्स्ट्रा अर्निंग्स आ रहा है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ही लगने वाला है वैसे ही लगने वाला। तुम खुद सोचो, तुम लोग मान लो भी 6 जन है, और मान लो सपोज तुम लोग 6 ही जन पढ़ता है मेरे से, और मान लो महीने का 1500 रुपया फीस देता है, तो 6 × 1500 तुम लोग मेरे को महीने का 9000 रुपया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सपोज दे रहा है, अगर 1500 रुपया फीस होता है तो मान लो 2 जन और आता है, बोलते सर हम लोग थोड़ा गरीब है, सर आप प्लीज हम लोग को 500-500 रुपया करके पढ़ा दीजिए ना, मेरे को कोई नुकसान तो नहीं है, क्यों बताओ, मेरा रेंट उतना ही लगेगा, यस और नो, मेरा बिजली उतना लगेगा। हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है अगर मैं उन लोगों को स्टडी मटेरियल दूं तो 100-100 रुपया का स्टडी मटेरियल का खर्चा लगेगा, तो मैं वो देखूंगा मेरा एक्स्ट्रा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट उसी में काम हो जा रहा है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखोगे फिक्स्ड कॉस्ट आपका रिकवर होना चाहिए अगर आप और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो, सॉरी अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो जितना लगना उतना ही। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है भाई उन 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट के आने के बाद फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है तो दिक्कत वाला सवाल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कुछ नहीं बोलता है तो फिक्स कॉस्ट जितना लगना है उतना ही लगता है, समझा मेरा बात, कुछ नहीं बोलेगा तो फिक्स कॉस्ट जितना लगता है उतना ही लगेगा, यस और नो। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा इरेलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन बोल दे तो अलग बात है, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा मोहित, फिक्स ही रहेगा, इतना लेट है फिर उसको पता, समझा मेरा बात। दूसरा नंबर क्वेश्चन ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अपने निकालना है, लास्ट में जो दिया हुआ है न्यू चैप्टर है ये, तुम रास्ते में देखते आए क्या फोटो में, चलो यही डेडिकेशन मेरे को चाहिए तभी मोहित को मैं आगे बैठाता हूँ हर बार, लेकिन आज उसको जगह छोड़ दी है, चलो कोई बात नहीं। अरे हम तुमको थोड़े बोले भी जाने के लिए बैठो, अरे कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम वन, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द, इसी तरह मेरे को एकदम नहीं दिख रहे हो, थोड़ा सा देख लूंगा तो अच्छा लगेगा, बस बस। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपनी का, कंपनी का सेल दिया हुआ है, 90 रुपया में बेच रहा है, यस और नो, एक यूनिट को, और बेच के कितना कमा रहा है, कोई मेरे को बोल सकता है कंपनी कितना यूनिट बेच रहा होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड करके कितना यूनिट बेच रहा है, तो कंपनी 40,000 यूनिट बेचता है, एक यूनिट को 90 में बेचता है, हाँ या ना। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है 22 लाख रुपया, कुछ कंपनी का फिक्स कॉस्ट भी लगता है, तुम एक बार खुद चेक करो तो सेल में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हटा के देखो तो प्रॉफिट मैच खा रहे कि नहीं खा रहे, ये लोग से, ये लोग जो प्रॉफिट दिए उससे मैच खा रहे कि नहीं खा रहे। हाँ, सही है ना, तुम लोग को देखने का जरूरत नहीं, जो बुक हमें दिया तुम लोगों को बुक पर भरोसा नहीं है, नहीं है, मेरे पे नहीं है, आपको नहीं था, उसको करूँ था। The board of directors are dissatisfied, satisfaction नहीं मिल रहा, किसको satisfaction नहीं मिल रहा, directors को satisfaction नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा सर, उन लोगों को लगता है ये प्रॉफिट शायद कहीं ना कहीं कम है, तो उन लोगों का सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम है। उन लोग बोल रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू मार्केटिंग प्रोग्राम, एक नया मार्केटिंग अगर प्रोग्राम लेके आ जाए, अगर एक नया, और पता है ये सब, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली सोचो तो, आप अपना प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं हो तो आप सोचो चल थोड़ा मार्केटिंग करते हैं, उससे सेल्स बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो तुम सोचेगा वो मार्केटिंग करना चाहिए फिर, तो प्रैक्टिकली सब चैप्टर बहुत काम का है। रियल लाइफ में अगर तुम कंपनी का मैनेजर बन जाता है, कंपनी का डिसीजन लेने का पावर तेरे पास रहता है, तो ये सब बहुत काम का चीज है।
इमेजिन करो तुम वही कंपनी का करता धरता, तुमको डिसीजन लेना, ठीक है, मुझे समझ रहा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू मार्केटिंग प्रोग्राम, अगर न्यू मार्केटिंग प्रोग्राम लेकर आए वो लोग, विच वुड इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 1,92,000, लो फिक्स कॉस्ट बढ़ा दिया। अगर वो लोग नया प्रोग्राम लेके आएगा तो कंपनी का फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी फिक्स कॉस्ट लगता है 1,50,000, बाद में फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना हो नहीं जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। अरे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कितना रुपया, ₹10 पर यूनिट बढ़ जाएगा। कोई मेरे को बता सकता है अभी वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे कितना लग रहा है, एक यूनिट पे अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, जो ये लोग बोल रहा है 22 लाख लग रहा है ना अमाउंट में, यूनिट कितना बेच रहा था तुम, 22 लाख लग रहा था, तुम लोग यूनिट तो निकाला था ना 40,000, तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाएगा तुम्हारा, आ ही जाएगा, कितना आया, और नया वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 65, 10 से बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए पर यूनिट निकालना पड़ रहा है मेरे को। मैंने इससे यूनिट्स निकाला पहला लाइन से, समझ में आ रहा है, पहला लाइन से क्या निकला, यूनिट्स निकला, और दूसरा से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया, यस और नो, पहला लाइन से यूनिट निकला, दूसरा लाइन से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। नेक्स्ट आ जाओ, कंपनी अगर मार्केटिंग खर्चा करता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, कंपनी को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला, क्यों क्यों करेगा कंपनी, सेलिंग प्राइस बढ़ना चाहिए, मार्केटिंग से सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, देखो कितना परसेंट, मजा आया। कंपनी जो फिक्स कॉस्ट बढ़ाएगा, मार्केटिंग करेगा, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो कंपनी क्यों खर्चा कर रहा है, ताकि उनका सेल्स भी बढ़े, और दमयंती सेल्स बढ़ गया, यस और नो, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, कितना परसेंट, 5% सेलिंग प्राइस बढ़ा, जो अभी 90 में बिक रहे ना बेटा, वो 90 पर यूनिट नहीं बिकेगा, वो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा तेरे को, एक बार चेक करो तो 4.5, तो नया 94.5 में बिकेगा तेरा माल, है ना, जो पहले तेरा 90 में बिक रहा है, वो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा तेरे को। सर पहले यूनिट कितना बिक रहा था, अब यूनिट भी बढ़ गया भाई साहब, 15% यूनिट भी बढ़ गया तेरा, यस और नो, तो 40,000 यूनिट पहले बिकता था, अब यूनिट भी बढ़ गया, कितना, तो नया यूनिट कितना हो जाएगा, 40,000 और 15% एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, यूनिट बढ़ा, सेलिंग प्राइस बढ़ा, मगर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ा, तो हम लोग को देखना है जो नया प्रॉफिट आने वाला है वो संतुष्ट है कि नहीं। हम लोग अगर नया प्रॉफिट 3.5 लाख से ज्यादा आता है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अगर नया प्रॉफिट 3.5 लाख से कम आता है तो नहीं करेगा। हम लोग को दो स्टेटमेंट बनाना है, डिसीजन लेना है, इसी चैप्टर का नाम है शॉर्ट टर्म, छोटा समय के लिए, समझा मेरा बात। अच्छा सर क्वेश्चन एक और चीज पूछा, हम लोग प्रॉफिट तो निकालेगा, क्वेश्चन बोला है सर बताओ नया ब्रेक इवन पॉइंट और ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, नया ब्रेक इवन पॉइंट और ओल्ड मतलब इस डेटा पे, और न्यू मतलब जो नया डेटा बनाएंगे उस पे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाय, कल रिवीजन कराया था इसीलिए कराया था कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला याद हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट बाय वो तो यूनिट्स में आ गया, और अगर वैल्यू में निकालना पड़े तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये सुन लो, तो पीवी रेशियो वगैरह निकालना पड़ेगा इसका मतलब। तो हम लोग जो फॉर्मेट बनाएंगे, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, समझा मेरा बात, लिखो पर्टिकुलर्स। मार्जिनल कॉस्ट की बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक दो समय ऐसा है उसके बाद लेवल और बढ़ जाएगा, तो इसमें सब कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। इस चैप्टर का नाम ही मोहित क्या है, छोटा समय का डीजल लेना पड़ेगा तुमको, लंबा समय का नहीं, ठीक है, समझा। हेडिंग दो मोहित, बहुत तुम क्या बोले ना, आकाश को डिस्ट्रैक्ट करता। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल्स, पहले हेडिंग देंगे ना, नहीं आपने क्या निकाला, तुम जो कर रहे हो उसको तो बताना पड़ेगा ना तुमको, उसके बाद हेडिंग दे दो, नहीं समझा। पर्टिकुलर्स क्या बोला, ऐसे नहीं, नॉर्मल, तुम लोग नॉर्मल बोलो, पर्टिकुलर्स ऐसे बोलेगा, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड, ठीक है ना, अपने को जितना प्रपोजल्स मिला है उन सबको क्या करना है, सोचना है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी में तो प्रपोजल्स मिलता ही रहता है, बट सारा प्रपोजल तो अपना एक्सेप्ट नहीं करते, यस और नो, कुछ कुछ मुंह पे रिजेक्ट भी कर देता है, मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को मिलता तो मैं अभी तक कुंवारा नहीं होता, इतना लेट से शादी को मंड नहीं होता, अभी भी कुंवारा ही हूं मैं, कहां शादी हो गया रे,
शादी हो गया आपका? शादी तो हुआ ही नहीं ना अभी भी कुंवारी हूँ, मेरा बैचलर पार्टी नहीं हुआ अभी तक। जब तक इंसान का बैचलर पार्टी ना हो जाए वो अभी तक कुंवारी ही रहता है, ठीक है। मैं गोवा जा रहा हूँ, किसी को चलना है क्या बैचलर पार्टी में जुलाई में? चलना है जो ही नो बोल देना, ठीक है, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। बैचलर पार्टी जुलाई अगस्त में, ठीक है, इसको चलना है बोल सकता है, लेकिन गोवा में पार्टी थोड़ा अच्छा वाला होगा। सितंबर में प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, अक्टूबर में दुर्गा पूजा घूमूंगा, नवंबर में शादी है, डेढ़ दो साल में तुम लोगों को चाचा भतीजा सब बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। कब बनाऊंगा? सेल्स पहले यूनिट्स में लिख लो, सेल्स पहले यूनिट्स में लिख लो। इधर का 36 लाख बिक रहा था, रुपया मिला था 90 रुपया करके ना, तो अपना यूनिट्स आ गया था ना, कितना यूनिट्स आ गया था? 40,000 राइट। अब प्रपोज में थोड़ा बढ़ जाएगा, 46,000 हो जाएगा राइट। 40,000 में 15% बढ़ गया था, यूनिट्स है ये बेटा, यूनिट्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट्स। 46,000 आ जाएगा यूनिट्स। अब अपने यूनिट से वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रुपया मिल रहा था वो भी चेक कर लो, इसमें तो 90 मिल रहा था, इसमें तो 90 मिल रहा था और इसमें बढ़ गया था थोड़ा 94। देखो क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा ये रहता है कि सब अपने को क्लियर रहता है पहले से, ये समझा। तो सेल्स इन वैल्यू आ गया मेरे पास, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो सेल्स इन वैल्यू आ गया, इसका तो 36 लाख ही आएगा ना, इसका कितना आएगा तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो, कितना रहा बताना? 4,43,47,000 ये आ गया सेल। एग्जिस्टिंग प्रपोज दोनों साथ साथ चल रहे ताकि जल्दी काम हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले कौन सा खर्चा माइनस करेगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसमें लेगा ना, प्रॉफिट तक तो निकालेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसमें था तेरा? 22 लाख रुपया लग रहा था 40,000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना आ गया था? पहले पर यूनिट लिख लेंगे, उसमें बढ़ भी गया ना थोड़ा, तो ध्यान रखना। 10 रुपया यूनिट से बढ़ गया, इसको इनटू 40 कर देगा, 40,000 यूनिट जो है सेल्स का। इसमें तो तुम देखो, क्या नाम है लेके आओ फोन, हाँ 40,000 × 10 कर देंगे 4,00,000 हाँ, तो अमाउंट बताओ तो बाद वाले का। 22,50,26 बाद वाले का, बाद वाले का तो बता, बाद वाले का वैल्यू कितना आएगा, अमाउंट कितना है? हेलो कंपनी 279। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले तुम याद है निकाला था, इसमें 55 रुपया आया था ना हम लोग का, 22,55,000 करके राइट। तो पर यूनिट जो है वो 55 आया था, याद करो पहले वाले में, ये करंट का था, सुनो ध्यान से, ये करंट का था, और तुम्हारा बाद वाले में कितना रुपया बढ़ जाएगा बोला था? 10 रुपया, तो ये 65 प्रपोज्ड में आ गया, आया ना 55 रुपया एक यूनिट पे। तो अगर तुम एग्जिस्टिंग में जाता है तो 40,000 × 55 ही लगेगा तेरा, लगेगा ना, जो कि हम लोग को दिया हुआ था 22 लाख, ये तो दिया हुआ था। लेकिन अगर आप प्रपोज में जाते हो तो आपका यूनिट भी बढ़ चुका है बेटा, और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ चुका है, तो 46,000 × 65 करना पड़ेगा तुमको। हाँ तो टोटल कितना? 10 रुपया पर यूनिट बढ़ गया वेरिएबल कॉस्ट, तो 55 + 10% नहीं हो, रुपया में बोला है, रुपया में बोला है भाई, 10 पर यूनिट है, 10% थोड़ी बोला है, 55 था, 10 रुपया और बढ़ जाएगा एक यूनिट का, परसेंट थोड़ी बोला है। 29,90,000 तो फाइनल आंसर 29,90,000 तुम्हारा वैसा नहीं आ रहा है मोहित, लेकिन जो तुम बोल रहा है, समझ रहा, तुम जो बोल रहे हो उसमें वैसा आंसर नहीं आएगा। ये दिखाना चाहिए 55 रुपया करके इधर मिल रहा है, ऑल ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, 55 रुपया करके यहाँ मिल रहा है, वो दिखाया मैंने, और 55 से ये 65 हुआ, इसलिए दिखाया मैंने कि 55 से 10 और बढ़ा है,
क्या ये कैसे आया? 46,000 इंटू 65। तुम 40,000 इंटू 65 क्यों कर रहे? यूनिट तो बढ़ गया मोहित। हाँ समझा ना, 65 करेगा ही, 46,000 को भी तो करेगा। अरे भाई साहब, तुम्हारा जो नया प्रपोज्ड है वो 46,000 यूनिट है। यूनिट भी तो बढ़ गया, यूनिट भी बढ़ गया, वैसे भी दाम बढ़ गया, राइट? तो कंट्रीब्यूशन चेक करो कितना कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन चेक करो कितना कितना आ रहा है। पहले वाले का तो 14 लाख ही आएगा, तो सामने दिख रहा है। पहले वाले का तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 14 लाख। आ गया ना। अब कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट। पहला वाला का फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ ही था 10,50,000। यस और नो? लेकिन बाद वाले का फिक्स कॉस्ट 10,50,000 नहीं होगा, वो भी बढ़ गया है। वो भी बढ़ गया है, कितना बढ़ गया था? 192 से बढ़ गया। तो बाद वाला फिक्स कॉस्ट 1050 प्लस 192, बाद वाला फिक्स कॉस्ट कितना होगा बोलो मेरे को? बाद वाला फिक्स कॉस्ट कितना निकलेगा? 12,42,000। तो इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। पहला वाला का प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी पता ही है, पहले वाले का प्रॉफिट तो हम लोग ऑलरेडी पता ही है 3.5 लाख। लेकिन इसके बाद सर इसका प्रॉफिट चेक करो, इसको इन दोनों को माइनस करो। 1,15,000 कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, ठीक है? ये प्रॉफिट आ गया मेरा, राइट? ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, क्लियर? अब हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहे, राइट? ये कर लो फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लेंगे, यूनिट्स में बोला है क्वेश्चन निकालने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने बोला है, तो यूनिट्स में निकालेंगे। फॉर्मूला याद है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकाल के लिखो। इधर देखो, इसका 14 लाख यूनिट मिला ना, 14 लाख रुपया मिला कंट्रीब्यूशन, कितना यूनिट पे? 40,000। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन ये है 13,57,000, इसका यूनिट्स कितना है? 46,000। दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो पहले, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो पहले, ठीक है? 14 लाख इसका कंट्रीब्यूशन है और 40,000 यूनिट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे कितना आ जाएगा चेक कर लो। 30, और उसका भी निकाल लो, ये डेटा काम आएगा हम लोग का, ठीक है? तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा दोनों का, फिर फॉर्मूला लगा देंगे फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों का ब्रेक इवन आ जाएगा। ये हटा लू ना? हाँ। चलो, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सुन लो, ये पहले वाले का फिक्स कॉस्ट बाय पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट कितना था पहले वाले का? 10,50,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बोला तुम लोग? 35। और ये 35 कैसे है, इसका नोट बना देंगे। 35 के लिए सर कंट्रीब्यूशन आया था मेरा 14 लाख, क्या इसको भी बनाना? हाँ, सब कुछ कैलकुलेटर में दिखाने से थोड़ी होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 14 लाख भाई, यूनिट्स कितना है? तो ये 35 यहाँ से आया मेरा, ये वाला है ना। और इसका आंसर कितना आ गया ब्रेक इवन का? कितना यूनिट्स आ गया? 30,000 यूनिट। और इसका भी फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका फिक्स कॉस्ट लेकिन बढ़ गया था, कितना हो गया था? 12,42,000 हो गया था ना इसका फिक्स कॉस्ट। हाँ। और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है देखो तो? 29.5। और ये 29.5 कैसे आया था इसका भी नोट बनाओ। 13,57,000 कंट्रीब्यूशन था, कितना यूनिट्स के लिए? तो ये 29.5 यहां से आया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 42102 यूनिट। समझा? ये आ गया हमारा आंसर, समझा? तो पहले अलग स्टेटमेंट बना है, स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा। हाँ करो एक बार, उसको बोलो उठा रहे क्या, देखो तो उठाए तो हमको देना, डन? उठाए तो बोलो कि तुम सारा कॉन्टेक्ट भेजा नहीं अभी तक भैया को, भैया तुमको कॉन्टेक्ट भेजने बोलो। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करने। हाँ देखना है, उधार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आओ, क्वेश्चन नंबर 2 अगर ठीक से करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:05। पांच इज्जत से करोगे, मेरे को देखो पढ़ाने में 5-15 लगेगा, 10 मिनट समझाने में,
और 5:18 तक 3 मिनट में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 5:20 पे छुट्टी नहीं, 3 सम का पीडीएफ लिया ना, आ जाओ। अ फैक्ट्री इज रनिंग एट 50% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री अपना पूरा 100% कैपेसिटी में काम, एक चीज ध्यान रखो, कोई भी 100% कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता। फैक्ट क्या मतलब? 100% क्योंकि कभी डिमांड कम रहता है। तो आपका अगर मान लो आप 5000 कपड़ा बनाते हो, तो आपका डिमांड अगर कम है, 5000 कपड़ा बनाओगे बाजार के लिए? नहीं, आप अपना मशीन को क्यों इतना चलाओगे? तो जनरली फैक्ट्री अपना 100% नहीं, कभी 70-80% में काम करता है। यस और नो? डिमांड बहुत फ्लक्चुएटिव करता है, तो जनरली 100% में काम करना। तो अभी ये जो फैक्ट्री है, अभी फैक्ट्री कितना परसेंट में काम कर रहा है सर? 50%, मतलब जितना बनाना चाहिए उसका आधा ही बना रहा है। अगर मान लो, चलो प्राची सवाल पूछता हूँ, प्राची अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूँ अभी, और मैं अगर अपना 50% कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं फुल कैपेसिटी में उतर जाऊं, कितना यूनिट बनाऊंगा? 10,000 यूनिट क्या बोले? मैं 50% कैपेसिटी में काम करता हूँ, 10,000 यूनिट बनाता हूँ, अगर मैं फुल कैपेसिटी में उतर जाऊं, 20,000 पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सही है क्या? डेफिनेटली सही है, क्लियर। अच्छा दमयंती, अगर पता है ये तो बहुत इजी 50% है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मान लो 60% दे दिया तो, या 70, चलो बताओ। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि कैपेसिटी 80% कैपेसिटी में काम करता है और 10,000 यूनिट बनाता है, फुल कैपेसिटी बताओ कितना होना चाहिए? हाँ एकदम सही बोला, कुछ नहीं करना, 10,000/80×100, 10,000 तेरा 80 के बराबर है, तो 100 निकाल ले। यस और नो? अभी जो तुम लोग क्या होगा, 10,000/50×100, तो 20,000 आ गया होगा। यस और नो? चलो अब आ जाओ अपना आगे का कहानी करते, समझा ये चीज क्या निकालना। चलो डिटेल्स बोला है, जो 50% कैपेसिटी में काम कर रहा है उसमें कंपनी का मटेरियल कितना लग रहा है? 10 लग रहा है क्या? वेजेस कितना लग रहा है? और वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहा है कितना रुपया? खुशी ये सारे मेरे वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? ये सारे मेरे वेरिएबल कॉस्ट है। एक सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट राइट, क्योंकि मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा लगेगा। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आ रहा है कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, करेंट प्रोडक्शन पर ईयर कितना? 12,000। कंपनी 50% कैपेसिटी में काम कर रहा है और कितना यूनिट्स बना रहा है? अगर कंपनी फुल कैपेसिटी में काम करता तो कितना बना पाता? अब आंसर आ रहा है, टोटल कॉस्ट दे दिया कंपनी का, देखो तो कितना। एक चीज बोलूं, ये अगर नहीं भी देता ना, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, तुम चेक करो वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 15 लग रहा है। फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है? टोटल 20 रुपया लग रहा है। और कितना यूनिट्स पे लग रहा है? 12,000 ही तो बना रहा है, 12,000×20 करो, 2,40,000। अच्छा कंपनी का कॉस्ट सोचो 2,40 आ रहा है, लेकिन कंपनी का सेल कितना है? कंपनी का नुकसान खा रहा है कंपनी, कितने का? कंपनी 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करके खर्चा कर रहा है 2,40,000, लेकिन जब उसको बाजार में बेच रहा है तो खाली कितना रुपया मिल रहा है? तो लॉस पे आ रहा है, कितने का लॉस है? ये अभी करंट सिचुएशन है, नमस्ते, ये अभी करंट सिचुएशन है कि कंपनी का लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 60,000 का लॉस आ रहा है कंपनी का, राइट। ये कंपनी का भी करंट सिचुएशन है। अब सुनना ध्यान से, अ कस्टमर ऑफर्स टू बाय 10,000 यूनिट्स। एक कस्टमर आया और बोला मुझे 10,000 यूनिट दे दो, 12,000 जो वह अलग है छोड़ दो, अलग से एक नया प्रपोजल आया। हम लोग चैप्टर क्या कर रहे हैं आज? तो इसमें अब डिसीजन तुम देगा मेरे को, हम नहीं देगा, तुम देगा डिसीजन, समझा। कस्टमर आया बोल रहे सुनो 10,000 रुपये मैं तुमको 10,000 यूनिट तुमसे खरीदूंगा, कितना करके खरीदूंगा? 17 पर यूनिट। मैं लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर नेहा और प्राची है, ये लोग हेजिटेट कर रहा है कि एक्सेप्ट करे कि, ये लोग हेजिटेट कर रहा है। 12,000 यूनिट जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, उसका 180 मिल रहा है कंपनी को, उसका 180 मिल रहा है कंपनी को। एक चीज समझो लास्ट बेंच,
तुम समझो ये जो 12,000 यूनिट बेचता है कंपनी, उसको अभी तो 180 में ना बेच रहा है टोटल में, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलू 15 करके बेचता होगा, तब ना 180 आ रहा होगा। तो अभी कंपनी 15 रुपया करके बेच रहा है बाजार में, राइट। एक नया कस्टमर आ रहा है तेरे पास, वो बोल रहा सुनो ना 10,000 यूनिट मैं तुमसे लूंगा, उसके लिए तुमको 15 करके नहीं दूंगा, कितना करके दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्टर लोग हेजिटेट कर रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो तुम बताओगे बाकी लोग और तुम लोग भी, क्या कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके पास एक मिनट है। करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा? आई वॉन्ट आंसर, सबका सुन ले रहा हूँ मैं, तुम बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ तुमको दिख रहा हूँ, कॉस्ट कटिंग फटिंग में करना चाहिए, करना चाहिए। खुशी, दमयंती, इशिता, प्राची, नेहा, करना चाहिए। प्राची नहीं करना चाहिए, नेहा करोगे क्या? करोगे? दमयंती एक्सेप्ट नहीं, तो क्लास में दमयंती को छोड़ के बाकी सब बोले एक्सेप्ट करें। जो दमयंती क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार वापस बोलो, 15 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 लग रहा है। हाँ तो 150, हाँ 150, उसके बाद ये 5-10 फिक्स कॉस्ट तो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वो तो पहले भी करता तो भी उतना ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट तो एक्स्ट्रा नहीं ना लग रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन कि उस कस्टमर के आने से फिक्स कॉस्ट बढ़ जा रहा है? नहीं बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट जितना तो उतना ही लगेगा, नहीं होगा फिक्स कॉस्ट। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, बोला था ना फिक्स कॉस्ट 192 से बढ़ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो आज का मेरा पहला टॉपिक क्या था दमयंती, मैंने बोला था फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट। अगर कुछ नहीं बोला तो आपका जो पुराना फिक्स कॉस्ट लग रहा है वही है, फिर एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब तुम अपना जो डिसीजन है वो खाली वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करेगा। किससे करेगा? वेरिएबल कॉस्ट। एक बार पंखा बंद करो खाली 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट फिर चालू कर लेना। सुनो अब मेरा बात सुनो प्लीज, तुम लोग कभी भी मोहित जो तुम सोचा ना, तुम ये सोचा कि तुम्हारा जो आंसर है सही है गलत नहीं, बट तुमने सोचा कि मैं अभी सेलिंग प्राइस 15 में कर रहा हूँ और आगे नया कस्टमर को कितना भी दूंगा, तो तुम्हें सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया ना मुझे, सच बताना। कभी आप सेलिंग प्राइस से कंपेयर मत करो, आप कंपेयर करो आपको नया ऑफर 17 का मिला है तो, और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर तुम्हारा जो नया सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, कर लो, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा मन तब तो इंडिफरेंट है, तब तुम्हारा मन, पर ऐसा होता थोड़ी है, क्वेश्चन तो तुमको देगा। तो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा है, फिक्स कॉस्ट ऐसे भी था वैसे भी था, फिक्स कॉस्ट 5 लग रहा था वो पहले भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तुम्हारा 17 कस्टमर ऑफर कर रहा है ना तुमको, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 15। तो कितना एक्स्ट्रा तुम कमा रहे? तो कितना यूनिट्स का ऑफर है? 10,000 × 2 कितना हो गया? वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वी विल एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा वेरिएबल कॉस्ट से, बताओ तो कस्टमर अगर मेरे को 14 रुपया देता मैं एक्सेप्ट करता? नहीं, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 15 लग जाएगा, वो मेरे को 1 रुपया कम देगा, लॉस में और चला जाऊंगा, नहीं करूंगा मैं। ये सुनो बताओ, कस्टमर मेरे को बोल रहा है, मेरे को कस्टमर बोल रहा है 15,000 यूनिट दो और एट द रेट मैं तुमको कितना दूंगा, 16 दूंगा, करेगा क्या? करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपेसिटी से ऊपर हो जा रहा है ना तेरा। तेरे पास तो एक्स्ट्रा 12,000 यूनिटी बचा हुआ है ना, कस्टमर लेगा तो पूरा 15,000 लेगा, तो ये वो भी देखना पड़ेगा ना तुमको। इस बार तो चलो यूनिट के अंदर में था तो तुम देख लिया, यस और नो? तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा 12,000 यूनिटी बचा है, कस्टमर ऑफर कितना का दे रहा है तेरे को? 15,000 यूनिट, यस और नो? तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछता ना, कोई अगर मेरे से पूछता ना, मैं बताऊं क्या आंसर देता, सुन लो ध्यान से, मैं बोलता कर ले। मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितने का है? 24,000 है ना टोटल कैपेसिटी, 24,000 है। मैं बोलूंगा मैं इस कस्टमर को 15,000 बेच दूंगा 16 करके, और बाकी कितने यूनिट बचा? 9,000 को। मेरा बाजार में भाव क्या चल रहा है? 15 रुपया करके चल रहा है, मैं 9,000 को 15 में बेचूंगा। अभी मैं, तुम चेक करो, अभी मैं 12,000 को 15 में बेच रहा हूँ, यस और नो? अब मैं ट्राई करूंगा मेरा जितना 16 में निकल पाए पहले, तो यस और नो? क्यों? मेरे को एक्स्ट्रा रुपया मिल रहा है, अभी मैं 15 करके बेच रहा हूँ, मेरे को बाजार से ऑफर है कितना करके। तो देश ये है, किसको? नहीं, वो तुम्हारा प्रोडक्शन है,
अब अगर आगे तुम्हारे पास ऑफर आएगा तुम यही हमेशा ट्राई करेगा, यस और नो? तो कर लेगा, बट ऐसा तुमको एग्जाम में जस्ट प्रैक्टिकली बताया ऐसा होना, एग्जाम ऐसा नहीं आएगा कभी भी। सीधा तुमको बताना ऑफर एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, राइट? इस क्वेश्चन में अपने एक्सेप्ट कर ले कि नहीं कर ले, कर ले, लिखो उसको। वो दिखाना हम लोगों ने कि कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कितना कमा रहे तुम। मैं बोलना चाहता हूँ ये मोहित कर रहा है कंपेयर इस पुराना सेलिंग प्राइस को, पुराना सेलिंग प्राइस को नया सेलिंग प्राइस से कंपेयर मत करो, तुम कंपेयर करो नया सेलिंग प्राइस को अपना वेरिएबल कॉस्ट से। अनफॉर्चुनेट इस क्वेश्चन में दोनों 15-15 तो कंफ्यूज हो गया तुम लोग। नया सेलिंग प्राइस को पुराने वेरिएबल, हाँ हाँ समझा मेरा बात। इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेट दोनों सेम है तो इसलिए बोलो उस उन दोनों सेल को कंपेयर नहीं करेगा। आप एक क्वेश्चन बना के मैं देता हूँ, ठीक है? एक नया दे दू, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? लिखो अ फैक्ट्री इज रनिंग एट 60% कैपेसिटी, ठीक है? कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है तेरे को, दिया हुआ है, फटाफट लिखो। मटेरियल का 10 रुपया, वेजेस का 2 रुपया, ओवरहेड का 2 रुपया। फोन किसका बज रहा है? आपका फोन बज रहा है। नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड भी है कुछ 4 रुपया का, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया देख लो तो, 18, यस और नो? करेंट प्रोडक्शन 7200 यूनिट्स, ठीक है? करेंट प्रोडक्शन 7200 यूनिट। अच्छा अभी लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट 7200 को 1800 से मल्टीप्लाई करके बता देना मेरे को कितना हो रहा, कोई तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा ना कितना आ रहा है। 7200 × 18 1,29,600, ठीक है? सेल्स मेरे को बता दो 7200 × 13 कर लो, 7200 × 13 करके बता दो। लॉस खा रहा है अभी भी कंपनी? कितने का लॉस खा रहा है? ये करेंट सीन समझ गया, और तुम लोग ये भी देख के समझ गया कंपनी अभी अपना यूनिट्स कितना करके बेच रहा है। मैंने मल्टीप्लाई करवाया तुम लोग को, कितना करके बेच रहा है? 13 रुपया करके। तभी तो मैंने 7200 × 13 करवाया। सोचो कंपनी का जो अभी का दाम है वो कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है टोटल? वेरिएबल कॉस्ट 14 करके लग रहा है, और कंपनी अभी उसको भी कवर नहीं कर पा रहा है, कंपनी अभी भी 13 में बेच रहा है, लॉस में बेच रहा है, हो सकता है नया कंपनी हो। और फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 4, तो टोटल कॉस्ट कितना लग गया? अच्छा अब लिखो कंपनी रिसीव्स एन ऑफर फॉर 3000 यूनिट्स टू बी सोल्ड एट 15 पर यूनिट, हाँ, शुड इट बी एक्सेप्टेड? अब तुम देखेगा तुम्हारा कैपेसिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3000 यूनिट, पहले चेक करो तुम्हारा कैपेसिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैपेसिटी के अंदर में 3200 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा पहले वो चेक करो तुम लोग। आइडल कैपेसिटी कितना पड़ा है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आराम से आएगा यार, क्योंकि कंपनी का, चलो कंपनी का बेटा अभी सेलिंग प्राइस नया 15 है, इसको कंपेयर करो पुराना वेरिएबल कॉस्ट के साथ कितना रुपया, 14, तो 1 रुपया का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। लिखो सिंस द, अच्छा पहले ऐसे करो कैपेसिटी आया है ना अपने पास, पहले लिखो टोटल कैपेसिटी इक्वल टू पहले कैपेसिटी पता कर लो अपना, 7200 डिवाइडेड बाई 60 × 100 कितना आ रहा है यूनिट का कैपेसिटी है, तो अपने पास आइडल कैपेसिटी अभी कितना पड़ा है? 12000 है, लेकिन तुम अभी तक खाली 7200 ही बना रहे ना, तो इसका 4800 यूनिट तुम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, और तेरे को कस्टमर से ऑफर कितने का मिला है, तो इसमें से काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाउ एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू
एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कितना कितना दिया मैंने सब जोड़ लो, 10 + 2 + 2 है ना, 10 + 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 14, यस और नो? लिख लिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नया वाला कस्टमर कितना ऑफर किया 14 रुपया, 15 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एग्जिस्टिंग कितना रुपया लग रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे तुम 1 रुपया है ना, देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया तेरा उस नया कस्टमर से, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 3000 यूनिट्स इक्वल टू 3000 × 1 है ना, इक्वल टू ₹3000, यस और नो? दस द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, दस द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, राइट? अपने को ऑफर आंख बंद कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यस और नो सर? ऑफर एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए, क्लियर? ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओके कोई बुराई नहीं है ऑफर एक्सेप्ट करने में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ना, आओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा हो देखो, क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड ड्रॉन अप द फॉलोइंग बजट, एक बजट बनाया कंपनी ने, उसमें रॉ मेटेरियल खर्चा दिया, वेरिएबल होता है या फिक्स कॉस्ट होता है, लेबर वेबर का खर्चा वेरिएबल, उसके बाद कुछ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी है, कुछ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी है, दिख रहा है क्या? कितना रुपया? ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। अच्छा, पैकिंग और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो तो बोल ही दिया पैकिंग एंड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो वेरिएबल है। कुछ फिक्स जनरल ओवरहेड और है फिक्स्ड, कितना? ये भी फिक्स है, ये कंपनी का टोटल कॉस्ट आ गया कितना रुपया, उसमें से कंपनी बोल रहा है 50 पर यूनिट बेचता है और बेच के 50 लाख कमाता है, कितने यूनिट बेचता होगा पता चल ही गया होगा, कितना मुंह पे निकल जाएगा, अगर तुम 50 लाख रुपया कमा रहे है एक यूनिट को 50 में बेच के, तो कितना यूनिट बेच रहा है? 1 लाख यूनिट, यार 1 लाख × 50 50 लाख होता है, तो 1 लाख यूनिट बेच रहा है ना, 1 लाख यूनिट 50 करके बेच रहा तब ना 50 लाख हो रहा है, ये सब खुद से सोच लिया करो मन में, भले ही क्वेश्चन में जरूरत हो या नहीं हो, अपना IQ लेवल उस लेवल तक जाना चाहिए। प्रॉफिट कितने का आया? ये बजटेड प्रॉफिट है, कभी ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है कैसा होगा, हुआ नहीं है मगर होगा। अच्छा, जनरल मैनेजर कुछ अपना ज्ञानबाजी दे रहा है, जनरल मैनेजर क्या सजेस्ट कर रहा है कि सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दो, यानी ये जो 50 पर यूनिट है ना उसको 50 मत करो, 5% गिरा दो, 47.5, कैलकुलेटर खोलो, 50 - 5% करो, 47.5 आएगा, 2.5 रुपया, 50 में से 5% हटा दो, 47.5 हो जाएगा, और अगर ऐसा करेगा ना तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्सपेक्ट टू अचीव एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ 5%, अभी जितना यूनिट बेच रहे ना यूनिट्स बढ़ जाएगा, तुम जहां सेलिंग प्राइस कम करेगा ना तेरा यूनिट्स बढ़ जाएगा, तुम अभी 50 में बेच रहे 47.5 में बेचो, तुम अभी 1 लाख यूनिट बेच रहे ना, वो 1 लाख से बढ़ के 5% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 1,05,000 यूनिट बेच पाएगा तुम, मेरा बात समझा? तो प्राइस कम करो यूनिट बढ़ाओ, प्राइस कम करो, मान लो मैं एक बच्चे को 500 में पढ़ाता हूँ, क्या बोला मैंने, अगर जैसे दाम 100 रुपया कम कर दिया 400 कर दिया, दो बच्चा हो गया, 300 करने से 3 बच्चा हो जाएगा, 0 करने से लूट जाऊंगा बर्बाद होऊंगा मैं तो लुट पुट गया। अच्छा, मोर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, अगर कंपनी ऐसा करता है ना बेटा तो उसका कुछ एडिशनल कॉस्ट और लगेगा, कितना रुपया? तो खर्चा तो है भाई, खर्चा तो है। अच्छा, इट विल आल्सो बी नेसेसरी टू ओपन एडिशनल सेल्स ऑफिस, एक ऑफिस और खोलना पड़ेगा उसके लिए, उसका कितना खर्चा लगेगा? तो कंपनी अगर ऐसा प्लानिंग करता है बेटा तो दो खर्चा और लगेगा, एक खर्चा 50,000 का जो एडिशनल कॉस्ट है, एक ऑफिस और खोलना पड़ेगा, इसका खर्चा 1 लाख रुपया, ठीक है?
हाँ फिक्स कॉस्ट और लग गया, फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगा। द सेल्स मैनेजर ऑन द अदर हैंड, सेल्स मैनेजर का एक प्रपोजल और है। अच्छा पहला प्रपोजल क्या हो गया, पहला गेट थोड़ा सा बंद कर दो ना, गेट बंद कर दो, तुम लोग 5-7 मिनट बैठो पीछे बैठो ना, हो जाएगा। चलो पहला प्रपोजल क्या है सर, पहला प्रपोजल है पहले सेलिंग प्राइस गिरा दो 5%, यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन दो खर्चा बढ़ जाएगा, कौन कौन सा बढ़ गया। अच्छा एक प्रपोजल और है, एक प्रपोजल और है, क्या प्रपोजल है सर, अपना सेल प्राइस को इंक्रीज कर दो कितना परसेंट, इस बार गिराना नहीं है, इस बार जो 50 था ना उसको 10% बढ़ा दो, कितना हो गया 55, विच इज एस्टिमेटेड विल रिड्यूस द सेल्स वॉल्यूम बाय 10%। तुम जहां सेल्स प्राइस बढ़ाएगा वहां पे वॉल्यूम गिर जाएगा, तो वॉल्यूम 10% गिर गया। अभी अगर तुम 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं ना, अभी 1 लाख यूनिट बेच रहे हो, 10% गिरा दो, 90,000 यूनिट बेच पाएगा, समझा। मैनेजर का अलग अलग प्रपोजल है, एक में यूनिट का दाम कम करो वॉल्यूम बढ़ाओ, एक में क्या करो यूनिट का प्राइस बढ़ा दो वॉल्यूम कम कर दो, दोनों। लेकिन सर इसमें एक फायदा भी है, एट द सेम टाइम अ सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड जनरल ओवरहेड ऑफ 50,000 और 1 लाख, ये जो पैसा लग रहा था ना तेरा वो सब पैसा बच जाएगा, ये स्वर्ण वो सब पैसा नहीं लगेगा, सेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो तुम लोग को बोला है कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, तीनों में से एग्जिस्टिंग भी देखेगा, प्रपोजल में दो है, एक प्रपोजल वन और एक प्रपोजल टू, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं वो तुम लोग बताएगा मेरे को, ठीक है। तुम लोग आपस में करो ये चीज, मैं लोग आगे बुला रहे तो पीछे बैठ के आंसर बता देना अपना मेरे को, मैं इसको वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को खाली दो बेंच खाली खाली कर दो ना प्राची, आई एम सो सॉरी बट आज मेरे को आपको पीछे भेजना पड़ रहा है, ठीक है, आई एम सो सॉरी बट प्लीज, हाँ प्लीज, जो लोग वीडियो में इस टॉपिक को देख रहे हो प्लीज 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 बैठो मत, सॉल्यूशन का वेट मत करो, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, अपने मेहनत से करना पड़ेगा बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड, आपको सॉल्यूशन का फोटो प्लीज आप करके मेरे को भेजो, चलो बाय।